सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सोचा था आप ऑफिस में होंगे, आप तो बाहर घूम रहे हैं। मैं बस जैसे जब आता हूँ तो थोड़ी देर होता हूँ, जब तक लोग आते हैं फिर वापस चला जाता हूँ। क्या सोचते हैं आप घूमते टहलते फिरते? थोड़ा विटामिन डी लेने की कोशिश करता हूँ। विटामिन डी लेता हूँ। अच्छा, आज विटामिन डी हो सकती है। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? मैं सुबह 7 बजे 6:30 बजे। अच्छा, देखिए मुझे पता है हम आपके ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आई हैव हर्ड कि आपके ऊपर वाला एरिया बहुत अच्छा है आपके कैंप ऑफिस का। हम पहले ऊपर देख सकते हैं? चलें ऊपर बैठते हैं। नाश्ते में क्या खाते हैं? नाश्ता मैं बहुत सादा करता हूँ, सादी रोटी और चाय। बस वैसे खाने पीने का शौक नहीं है आपको? नहीं, बहुत सादा जो भी बहुत। क्यों कराची आए जनरली खाना शौक से खाते हैं? नहीं, खाना तो मैं भी खाता हूँ। अच्छा। बट ये कि जो होता है वो खा लेता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि घर का खाऊं। What does a normal day in your life look like? Normally आप क्या करते हैं? सियासत ही करता हूँ सारा दिन। सियासत? बस सुबह उठता हूँ, यही अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करता हूँ। अच्छा, ये बताओ, रात को खत्म करके मैं सो जाता हूँ। आप सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप क्या आप शफकत महमूद अमुराद राग की तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लोजर का सबको सपोर्ट करते हैं आप? देखिए वो डिपेंड करता है हालात पे ना, वो जाहिर है कि ना उन्होंने खुशी से बंद किया है। हाँ। और ना ही मैं चाहता हूँ कि हम स्कूल बंद कर दें। क्या आपने ये सोचा कि मेरे बारे में मीम्स क्यों नहीं बनी जिस तरह शफकत महमूद के बारे में बनी? अब ये तो बनाने वालों की मर्जी है, शायद मैं बड़ा खुश्क आदमी हूँ। नहीं, नॉट इट। आप आज प्रूव कर सकते हैं कि आप नहीं हैं। एजुकेशन के अलावा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर, कच्ची आबादी, लिटरेसी, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल्स पार्टी के पास और कोई काबिल एमपीएस नहीं है जो सारा कुछ आपके पास है? ये तो लीडरशिप का अपना फैसला है, वो जिसको बेहतर समझते हैं कि जो काम कर सकता है उसे करा लेते हैं। लेबर चूँकि वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैं खुद ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, तो इसलिए शायद तो उन्होंने सोचा कि मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। अंडरस्टैंडेबल। कराची जो है वो बहुत अब मशहूर हो गया, इन्फेमस जो कहते हैं कि बहुत पोल्यूशन है, कुछ है ही नहीं, सड़कें भी नहीं है, मच्छर है, डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, क्या क्या नहीं है कराची में? दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं ना, कराची जितने, उनमें ये इशूज़ जो हैं वो रहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा मसला है यहाँ पर जो दुनिया के किसी बड़े शहर में ना हो। बाकी पोल्यूशन की जहाँ तक बात है तो मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा पोल्यूटेड है शहर इस वक्त वो कराची नहीं है, पाकिस्तान का लाहौर और शायद पंजाब के एक आध कोई और शहर है वो ज़्यादा। अच्छा, तो फिर ये गलती किसकी है, लाहौर हो या कराची? देखिए गलती तो हम सबकी है ना जो रहते हैं शहरों में। बेसिकली पोल्यूशन की तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट अगर लोग खुद थोड़ा सा ख्याल करना शुरू कर दें तो पोल्यूशन पर। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें नहीं है, डूब रहे हैं, मर रहे हैं, क्या हो रहा है? खैर अल्लाह रहम करे, डूब तो नहीं रहे इस तरह से, डूब रहे थे। बट देखिए सड़कों का इशू बिल्कुल है, और कराची में अगर आप कभी पूरे शहर को तो शायद मैंने भी ना देखा हो। मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ, मेरी पता नहीं कितनी नस्लें यहाँ पैदा हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेजर आर्टरीज होती हैं पहले आप उनको ठीक करते हैं, वो हमने की हैं। अब इंटरनल एरियाज हैं, हमारे इशूज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट के जो सिस्टम हमारे यहाँ रहा है, जो इलेक्टेड लोग आते हैं खासतौर पर MQM के, उनके कुछ और डिफरेंट मामला होते हैं, तो कम्फर्टेबल होते नहीं हमारे साथ, चीज़ें बस चलती रहती, शायद प्रायरिटीज़ कुछ और होती हैं। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर नज़र आ रही है, अगर हम देख सकते हैं, आप बिलावल साथ खड़े हैं और साथ बीबी की भी तस्वीर बहुत प्यारी। कैन यू टॉक अबाउट द पिक्चर, आपके और बिलावल की इतनी बड़ी मुस्कुराहट, क्या हो रहा था? ये तस्वीर, वैसे पिक्चर्स तो मेरी बहुत सारी हैं। अच्छा, लेकिन ये इसलिए यादगार है कि ये जब मैंने 2017 में बाई इलेक्शन जीता था कराची से, और पार्टी में कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि मैं जीतूँगा, और जीतने के बाद जब मैं चेयरमैन साहब से मिला था पहली दफ़ा, तो ये उस वक्त पिक्चर है। उनकी मुस्कुराहट इतनी बड़ी की नहीं इतनी, आप कोई, आपको लगता है कि कोई स्पेशल रीज़न या मुस्कुराते ही नहीं है क्या? नहीं, वैसे मेरा ख्याल है कि उस इलेक्शन के जीतने में मुझसे ज़्यादा चेयरमैन खुश थे। अच्छा, चले, मे बी ही वॉज हाइडिंग इट, है ना। अच्छा, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं सिंध के, मगर हमने आपके एजुकेशन के हवाले से गूगल पे कुछ नहीं मिला, आप कुछ बता सकते हैं आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा? अच्छा, मेरी अपनी जो तालीम है वो मैंने BCom किया गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से, कराची में ही एक कॉलेज है, और उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया था MBA करने के लिए, और मैं लॉ भी कर रहा था साथ साथ, LLB कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर का जो है वो मर्डर हो गया, वो शहीद हो गए, तो मैं चूँकि फैमिली में सबसे बड़ा था
तो घर की भी बड़ी फिक्र थी कि घर भी मैंने ही अब संभालना है, चूँकि पहले वालिद साहब करते थे, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स, ट्रेड यूनियन, तो वो फिर कंटिन्यू कर लिया। तो जो मेरी एजुकेशन थी, ना मैं अपना MBA मुकम्मल कर सका, ना लॉ कर सका, तो मुझे सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि मैंने BCOM किया हुआ है। मैंने BCOM किया है और मैट्रिक मैंने गुलिस्तान से किया था, गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ एक स्कूल है बड़ा अच्छा कराची का। लेकिन चलिए, आपकी ज़िंदगी में बिकॉज सच डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके लिए क्रिएट नहीं थी, अगर वो ना होती, अगर आप कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी पढ़ सकते थे, तो आप क्या करते, एनीथिंग? मैं शायद जो वालिद साहब चाहते थे मैं CSS कर दूँ और ब्यूरोक्रेसी में चला गया, शायद वो कर रहा था। अच्छा, ये एक और भी खबर है कि पीपल्स पार्टी जो पार्टी है ना, बड़ी हसमुख पार्टी है एज वी कैन सी, लेकिन उन्होंने फ्रेंडशिप की, बेस्ट फ्रेंडशिप की PMLN से, बड़ी अच्छी दोस्ती की, फिर उन्होंने छुरा निकाला और पीछे बैकस्टैब मारा, तो उसकी क्या कहानी है, ये क्यों फ्रेंडशिप क्यों खत्म हुई आपकी, और अब किसके साथ फ्रेंडशिप है? नहीं, मेरा ख्याल है कि बाकी चीज़ें तो ठीक थी, ये जो छुरा निकाला और घोप दिया। अच्छा, तो आपने बताया पहले कि हम मारने वाले हैं आपको, ये पहले नहीं पता था? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में कभी भी ये नहीं होता कि कोई वो रोमियो जूलियट का लव अफेयर तो होता नहीं है। तो जो हालात होते हैं, उस हालात के मुताबिक हम एडजस्टमेंट करते हैं इश्यूज़ पर, चीज़ों पर, जो भी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ने होते हैं। तो ये तो अगर कोई तवक्को करे कि पीपल्स पार्टी और PMLN या JUIF या PDM की जितनी जमातें साथ बैठी हैं तो वो इस तरह घुल मिल जाएंगी कि एक पार्टी की सूरत में नज़र आएंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सही। तो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है जिस पे इकट्ठे होते हैं, और फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, और जहाँ जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उसका इजहार भी कर लेते हैं, और बाद अच्छा कुछ चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ। एक अंग्रेजी में फ्रेज है, उसको कहते हैं फ्रेनमीज, वो होता है फ्रेनमीज कहते हैं, फ्रेंड्स और एनमीज। तो क्या आपको लगता है आप और पीपल और नून लीग फ्रेनमीज है? नहीं, देखें, एक चीज़ फ़र्क है, जो 90s में जो सिचुएशन थी ना, अब वो नहीं है। तो अब आपस में कंटेस्ट भी करेंगे इलेक्शन, एक दूसरे की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि ये उस लेवल पे जाएंगे जिस पे 90s में। अच्छा, वो उस पे नहीं जाएंगे। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है डॉग कॉलिंग पर, लेकिन आई नोटिस कि आपके पास भी काफ़ी कुत्ते हैं, हम जाके देख सकते हैं? कुत्ते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं सवाल भी साथ पूछ रही थी, यहाँ से निकले, लेकिन वो आपको देख के जो है ना भौंका शुरू कर देंगे। नहीं, दैट्स ओके, आई डोंट माइंड, आई लाइक डॉग्स। अच्छा, डॉग कलिंग जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी कराची और सिंध में हो रहा है, क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है इस मसले को हल करने के लिए? एक्चुअली प्रॉब्लम है बड़ा ही है, और इसमें हम बड़े बुरी तरह फंस गए हैं। पहले तो किसी वक्त में इनको जहर की गोलियां खिला के मार दिया जाता था, और आई थिंक बड़ा इनह्यूमन सा एक वो एक्ट था जो होता था। अब उस पर चूँकि काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं लोग और वो नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आबादी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं काफ़ी। लेकिन अभी वैक्सीनेशन का एक अमल है वो शुरू किया है, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने अच्छे खासे पैसे भी रखे, और अब वो प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन देंगे, और उसके बाद इनकी आबादी भी कंट्रोल होगी, और ये जो अगर खुदा ना खासा किसी को बाइट कर लेते हैं तो रेबीज जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल, जल्दी जल्दी 5-6 सवाल हैं, शिबली फराज या फवाद चौधरी? फवाद। फैसल वावड़ा या आमिर लियाकत? वावड़ा। डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। आपने अपने ट्विटर बायो में ट्रेड यूनियन / ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लिखा हुआ है, क्या पाकिस्तान कभी अपने वर्कफोर्स को एक्सप्लॉइट करना बंद करेगा? देखिए, मैंने बताया ना, मैं बेसिकली तो ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, मेरे फादर की पूरी स्ट्रगल रही है ट्रेड यूनियन के प्रेस में, और मैं भी अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ जब लोग मुझे एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट जानते हैं। पॉलिटिकल वर्कर में हूँ, बट मैं शायद उन खुशकिस्मतों में से हूँ जो शायद पाकिस्तान में, मैंने इसीलिए कहा था, आई डोंट माइंड, आई लव, मैंने मैं शायद बहुत कम लोगों के ऐसे कि मैंने ट्रेड यूनियन में भी काम किया है, बड़ा बहुत ज़्यादा काम किया, फिर मैंने लोकल गवर्नमेंट में बहुत किया है, बुनियादी तौर पर मैं पहला इलेक्शन वहीं से जीता, फिर उसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, तो ये सारी चीज़ें एक वर्ड बिलावल भुट्टो साहब के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर है। हाय हाय, आसिफ अली जरदारी। मैं समझता हूँ कि उनसे ज्यादा इस वक्त जीरक सियासतदान पाकिस्तान में। आई एग्री विद यू 100%। शहबाज गिल। हम बड़े बदनसीब हैं कि हमें इस किस्म के लोग अपोजिशन में मिले। इमरान खान। काश के क्रिकेट ही खेल रहे हो।
नया पाकिस्तान। वैसे लोगों को बड़ा महंगा पड़ा है। अच्छा हाँ सही बात है। वैसे चले आगे ये आगे चलते छोड़ दो बेटा इसको। वही 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 ये आपके कुत्ते आपके मेरे ये नाम क्या है? ये टाइटन है। टाइटन है ये बुलेट है। बुलेट ये वाला था। ओह माय गॉड वो कह रहे हैं उनको फ्री करें ना बेटा है ना। ये और भी है। चले बस पांच ही और सवाल है मैं आपको। अल्लाह हाफिज। फेवरेट कॉलीग फ्रॉम सेम असेंबली। फेवरेट कॉलीग तो देखें बहुत अगर क्लोज कहें तो असेंबली में आप कहेंगी तो नासिर शाह साहब हैं काफी क्लोज। और पार्टी में नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि डिफरेंस है ना हमारे यहाँ। आपने नेशनल असेंबली मतलब फेडरल कैबिनेट में पंजाब में केपी में बलूचिस्तान में कैबिनेट में झगड़े सुने होंगे। हाँ सिंध कैबिनेट में कभी आपने नहीं सुना होगा क्योंकि आप सब सेम पेज पर हैं। नहीं अल्लाह का शुक्र है बड़ी ज़बरदस्त है। कोई किसी के लिए पुलिंग नहीं करता। सब मिलजुल के चलते हैं सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ तो अच्छी चीज़ है इसलिए सभी दोस्त हैं। नहीं ऐसे तो नहीं होता ना कोई एक होता है ऐसा हैंग आउट होता है जो आपका दोस्त होता है ना नासिर शाह से ज्यादा। और आउट ऑफ पीपल्स पार्टी में असेंबली में नहीं पीपल्स पार्टी से हटके। हाँ काफी लोगों से है दूसरी पार्टीज में से। हाँ हाँ मेरी है दोस्तियाँ। शाही सैयद से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। शाही सैयद से बहुत अच्छी है। फिर इत्तेफाक से मेरे साथ वो सेनेट में कुलीग भी रहे तो उनके साथ भी है काफी दोस्ती। इंटरेस्टिंग। अच्छा कुछ ऐसा पहले एक आपने एक फेक हेडलाइन जो थी वो शेयर की थी और फिर आपने ये ब्लंडर एक्सेप्ट भी किया था वो क्या हुआ था? वो कोई एक खबर चली किसी चैनल पे फिर वो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं वो आई तो मैंने ट्वीट कर दी। हाँ। तो वो चैनल को बहुत बुरी लग गई थी तो बहरहाल मैंने फिर बताया कि जी वो चैनल पे आ गई थी सोशल मीडिया पे आई थी तो बहुत सारे लोग शेयर कर रहे थे मैंने भी कर दी। बट बहरहाल वो मैं नहीं समझता कि वो इतना बड़ा ब्लंडर था इसलिए कि फिर मैंने उस चैनल की बहुत सारी चीज़ें गिनवाई थी। अच्छा हाँ तो आपने फिर उसे ऑब्वियसली जस्टिफाई किया। ठीक है वो कौन सा एंकर है जिसके टॉक शो पर आप बिल्कुल नहीं जाना पसंद करते? ऐसे तो कई सारे हैं लेकिन मेरा ख्याल एंकर से ज़्यादा जो गेस्ट होते हैं ना कुछ मैं उसमें थोड़ा सा देखता हूँ कि अगर कोई बदतमीजी करता हो कोई मतलब वो ट्रैक से हट जाते हों आपको या मुझे मिजाज जो मेरा है उसके खिलाफ किसी तरह लेके जाना चाहते हैं मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ। तो उनके भी नाम वैसे अगर होते हैं। वो गेस्ट को तो नहीं बुलाते लेकिन शायद मसूद साहब जो हैं। अच्छा वो तो कुछ है। और लेकिन कौन कौन सा गेस्ट जो आप कहें कि यार मैंने इनके साथ नहीं बैठना नहीं बैठना? हाँ एक नाम आपने पहले लिया था कौन सा नाम था वो मैंने ओ शहबाज गिल वही हो सकता है। इमरान खान तो नहीं हो सकता क्या? वो भी है। जरदारी साहब भी नहीं हो सकते। आप नाम ले लें गिल टाइप की चीज़ें दिल टाइप की चीज़ें। इंटरेस्टिंग। ओके मेरा आखिरी सवाल 2020 में रिलीज हुई एक सीक्रेट पुलिस रिपोर्ट ने आपको अक्यूज़ किया है कि आपका लिंक है अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ ड्रग लोगों के साथ हिटमैन के साथ। आप इस पर क्या कहेंगे? वैसे जो चीज़ें आपने कही ना उस रिपोर्ट में नहीं था उसमें बहुत कम था उसके लेकिन वो सारी भी गलत थी और मैंने खुद फिर रिक्वेस्ट की सीएम साहब से कि उस पर एक इंक्वायरी करवाएं उसकी और फिर एक कमेटी बनी थी किसी डीआईजी ने उनको हेड किया था और उसने ये कहा है कि ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं और मैंने उस पर भी हाई कोर्ट में केस किया हुआ है और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि ये झूठा है और मेरी तो स्ट्रगल रही है क्रिमिनल्स के खिलाफ। जो लोग जानते हैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत सारे इश्यूज रहे हैं लेकिन हम लड़ते रहे हैं उनसे तो एक वो आदमी जो उनसे लड़ता रहे उसके ऊपर इस किस्म के एलिगेशन तो कोई नहीं मानता। वो एक एसपी साहब हैं उनको शौक है इस किस्म की रिपोर्टें बनाने का वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने रिपोर्टें बनाई है सारी। तो कराची में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? मेरा अपना इलाका है चनेसर रोड। और वहाँ पे आप किसी हिटमैन को जानते हैं दोस्ती हो या दोस्तों? जब ये गैंगवाज चलती है ना जब इश्यूज थे कराची में बहुत सारे तो जाहिर है मैं जानता तो बहुत सौ को था ना जो लियारी में थे उनको भी जानता था जो इधर थे उनको भी जानता था शहर में जो और है जो हमारी पार्टी के नहीं है शायद उनको भी जानता हूँ। जानता तो हूँ जाहिर है कि शहर का हूँ। कभी हैंग आउट किया उनके साथ? नहीं नहीं वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ व्हाई नॉट एग्जैक्टली आप साथ कहना चाहें। थैंक यू सो मच सही हरी साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी शॉर्ट वेरी कमिंग नो नो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू बहुत शुक्रिया।